हाँ जी मित्रों, मैं हूं मेघा ब्लू एंड आज भी मेरे पास बहुत सारी YouTube कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है। आज वीडियो को अंत तक देखते रहना एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई मत भूलना। एक सेकंड तो लगता है यार, कर लो सब्सक्राइब। एंड यहां पर मैं आप लोगों को डेली YouTube कम्युनिटी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं इस वायरल गर्ल के बारे में। तो इस वायरल गर्ल मन्नत कुल्हारिया के बारे में मैंने ऑलरेडी यार आप लोग को पिछली वाली वीडियोज में बताया हुआ है कि ये क्यों यार वायरल हुई थी। बेसिकली हुआ ये था कि यार ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यानी कि इंटरनेट के ऊपर भाई इनकी दो वीडियोज काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। एंड यार मन्नत कुल्हारिया की दोनों वीडियोस वायरल हुई थी, उनको देख के यार ऑडियंस का यही रिएक्शन था कि भाई ये लड़की एक नंबर की फेमिनिस्ट है। बिकॉज उन दोनों वीडियोस यार जो वायरल हुई थी, उनमें में से पहले वीडियो में तो यार वो अपनी दादी को गाली दे रही थी, ऑल्सो इंडियन संस्कृति को भी गाली दे रही थी। एंड इतना ही नहीं, सेकंड वाली वीडियो में यार वो ये बात कर रही थी कि वो अपने यार हस्बैंड को बेच देंगी। एंड आप लोगों को तो यार पता ही होगा, मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियोस में यार बताया था कि जो मन्नत कुल्हारिया है, मतलब कि ये लड़की, इनको यार कितना ज्यादा हेट मिला था इंटरनेट पे। एंड अगर आप लोग जाके इनके इंस्टाग्राम को अभी भी ओपन करोगे तो भाई उसी टाइप की वीडियोस वो यार अभी भी बना रही हैं अपने इंस्टाग्राम पे। तो ये जो मन्नत कुल्हारिया है, ये जिस टाइप के वीडियोस बना रही हैं, इसके ऊपर भाई लक्ष्य चौधरी रिएक्ट करते हैं। एंड मन्नत कुल्हारिया को यार जितना भी हेट वगैरह मिला है इंटरनेट पे उन दोनों वीडियोस की वजह से, उसके ऊपर भी यार रिएक्ट करते हैं। ऑल्सो यार लक्ष्य चौधरी ने मन्नत कुल्हारिया को सपोर्ट भी किया। होता क्या है कि कल यार वो अपने किंग्स आर लाइव वाले चैनल के ऊपर में अपने फ्रेंड्स के साथ में भाई लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जहां पर वो इस चीज पे रिएक्ट करते हैं। वो क्या कुछ कहते हैं देखिए आप लोग। देखो मैं इस लड़की को डिफेंड नहीं कर रहा, बहुत टाइम से मेरा बोलने का मन था कि जब मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा ना इंस्टा पे आ गया, यूट्यूब पे आ गया, जब मैं नहीं हूँ, एक तो तुमने मेरी वीडियो देख ली कि सच में मैंने अपने दादा दादी के साथ कुछ यूं कर दिया, उनके मुंह पे जा गया, कुछ भी कर दिया, तो गलत है। बट मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, उसमें मैंने किसी छोटे बच्चे की बात करी कि ऐसे मेरा छोटा कोई बच्चा होगा तो मैं यूं कर दूंगा, तो ना तो वहाँ छोटा बच्चा है ना मैं वो इंसान हूँ। मैं उस टाइम के लिए, उस मोमेंट के लिए मैं तो कुछ रोल प्ले कर रहा ना, तो वो मेरे कैरेक्टर पे कैसे आ जाएगी वो बात? मैं रियल में थोड़ी, मेरी सीसीटीवी फुटेज थोड़ी है वो कि मैं रियल में कर दिया किसी के साथ जाके। और ऐसे तो लोग ट्रिगर भी नहीं होते, जैसे बहुत लोग हुए हैं कि दादी के साथ वैसे वीडियो बना है, तो वो वैसे ले लें ना, वो उन्हें ले हैं कि जो सिंपल चल रही होगी और वैसे चल रही होगी। मान लो बहुत जंबल वर्ड्स खेल लिए पीपोई के साथ ही बता दो। बहुत लोग हुए हैं जो जैसे दादी के साथ वीडियो बना रहे, बस बना रहे कि उनका क्या रिएक्शन है क्या नहीं, वो भी तो बना रहे दादी के साथ, समझ रहे? अरे वो नहीं दिखाते क्या? एक लड़का है, इंस्टाग्राम मॉडल्स दादी रिएक्ट करें, अगर तुम सामने ही दादी को उनके सामने कर रहे हैं ऐसे, तो फिर मान सके। और वो उसमें भी दिक्कत नहीं लगती मुझे तो यार, अगर तुम सामने दादी कुछ रिएक्ट कर रही हो उसमें भी दिक्कत नहीं। हाँ वहाँ बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो उनके साथ, वो वाली बात है ना, लेकिन ऐसे एक्ट कर रहे तुम तो फिर तो यार ये इतनी बड़ी बात है नहीं वैसे। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस वायरल गर्ल के बारे में, मुझे अपने ओपिनियंस को आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं बाबा के ढाबा के बारे में। आप लोग भाई ने जानते हो गए, ये कुछ साल पहले यार काफी ज्यादा वायरल हो गए थे इंटरनेट पे अपने खाना वगैरह के लिए। बट होता क्या है कि अभी के टाइम पे यार बाबा के ढाबा की जो बाबा है, इनके भाई एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर भाई लिटरली उन्होंने यार एक फूड ब्लॉगर को काफी क्रेजी लेवल पे भाई रोस्ट कर दिया। एंड यार वो रोस्ट कुछ इस टाइप का था कि आप लोग को पता होगा कि जो ये फूड ब्लॉगर्स हैं, वो जब भी यार किसी दुकान वगैरह पे जाते हैं तो बार बार उस दुकान वाले को परेशान करने लगते हैं कि भैया ये क्या डाल रहे हो, ये क्या डाल रहे हो, ये क्या बना रहे हो। एंड सारी चीजें सामने दिखती रहती है, फिर भी भाई पूछते रहते हैं अपना कंटेंट निकालने के लिए। तो उसी फूड ब्लॉगर पे भाई बाबा के ढाबा जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उनका क्या रिएक्शन था भाई, उन्होंने कैसे रोस्ट किया देखिए आप लोग। अरे बाबा नमस्कार, क्या हाल चाल है? हाँ मेरी जान, क्या हाल है, क्या कर रहे हो? मेरी जान बाबा ऐसे मत करो यार, पूरा मेरी बात सुनो। हाँ। क्या तुम आप अंधे हो? सही बात है, क्या अंधे हो है? जब मुझे देव रोटी बना रहा हूँ तो खुश हो रहे हो? लिटरली यार मैंने जब ये वाली क्लिप यार फर्स्ट टाइम देखी थी भाई, लिटरली मैं बहुत ज्यादा हंसा था। आप लोग का क्या रिएक्शन है इस चीज को देख के, मुझे अपने ओपिनियंस को कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। आप लोग को मैंने ऑलरेडी यार कल वाली वीडियो में बताया था कि जो हर्ष बेनीवाल हैं वो अपने चैनल के ऊपर में एक न्यू पैरोडी वीडियो अपलोड करेंगे एलविशन मैक्सिम की फाइट जो हुई थी उसके ऊपर। एंड मैंने आपको बताया था कि आज ही यार उनकी वो वीडियो आने वाली है, तो उस वीडियो का भाई पोस्टर भी रिवील हो चुका है। उन्होंने अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें आप लोग देख पाओगे, वो लिखते हैं भाईचारा ऑन टॉप कमिंग टुमारो। या भाई यार शाम 4 बजे यार आपको ये वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें यार एल्विश यादव एंड मैक्सिम की फाइट का भाई एक पैरोडी यार किया है हर्ष बेनीवाल ने। एंड हो सकता है कि जब तक आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो तब तक भाई हर्ष बेनीवाल की वीडियो आ भी गई हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी यार आप लोग को कल वाली वीडियो में बताया था कि भाई मुनावर फारूकी एक रेस्टोरेंट के अंदर गए हुए थे, जहां पर भाई उनके ऊपर यार काफी सारे लोग यार अंडे वगैरह फेंकने लगे थे उनके सिर पे। एंड इसका रीजन भी भाई मैंने आप लोग को बताया था कि जिस रेस्टोरेंट में भाई मुनावर फारूकी गए थे खाने वगैरह खाने के लिए, उसी रेस्टोरेंट का जो कॉम्पिटिटर था उसने
बिना जानबूझ के मुनावर फारूकी के ऊपर भाई अंडे फिकवाए लोगों से, जैसे यार उस रेस्टोरेंट की जो रेपुटेशन है वो गिर जाए। तो इसी सारे सीन के ऊपर भाई मुनावर फारूकी अपना रिएक्शन देते हैं। होता क्या है कि उन्होंने यार कल अपने इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम करी, जहां पर यार वो इसी सीन के ऊपर रिएक्ट करते हैं, ये जो अंडा उनके ऊपर फेंका गया। वो क्या कुछ कहते हैं देखिए आप लोग। जो दो दुकानदार थे उन लोग के बीच में फाइट चल गई थी, तो तुम्हारा भाई थोड़ा भड़क गया था, वो चिचाई चालू कौन डंडे लग गए ना, तो तुम्हारा भाई अपने को कौन मारेगा भाई। तो मैं ठीक हूँ, मेरे को किसी ने अंडा अंडा नहीं मारा। अरे वो एक चचा थे उनको लग गया, और सी ऑफिसर एक वहाँ थे उनको एक अंडा लग गया, और उन लोग का दुकान वालों का आपस में चल गया था, बिकॉज ऑफ जेलेसी होती है ब्रो। क्या है, कॉम्पिटिटर जलते एक दूसरे से, अपने से जो अगले लोग जलते हैं वो तो अपने कंपटीशन है ही नहीं। ऑल्सो मुनावर फारूकी का जो अंडे वाला सिचुएशन था उसके ऊपर भाई एलवी शादो ने भी रिएक्ट किया। हुआ क्या कि एलवी शादो का कल एक इंटरव्यू आता है एक चैनल के ऊपर में, जहां पर यार इंटरव्यूअर एलवी शादो से ये पूछती हैं कि आपने देखा होगा हाल ही में यार कि मुनावर फारूकी के साथ में क्या हुआ, उनके ऊपर भाई अंडे वगैरह फेंके गए, तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है। एंड एलवी शादो से इंटरव्यूअर ये भी पूछती है कि क्या आपके भी साथ में ऐसा कुछ हुआ है, जिस पर एलवी शादो यार यही रिप्लाई करते हैं यार कि ये जो चीज़ें हुई हैं मुनावर के साथ ये काफ़ी ज़्यादा गलत है, एंड ये जो चीज़ें हुई हैं मुनावर के साथ में वो किसी के भी साथ में नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो यार एलवी शादो ये भी कहते हैं यार कि जब भी आप फेमस वगैरह होती हो, जब भी आपका नाम वगैरह बनता है, तो चाहने वाले और आपका बुरा चाहने वाले दोनों के दोनों फैन बेसेस यार बनती है। ऑल्सो एलवी शादो ये भी कहते हैं कि मुनावर फारूकी के साथ में जो अंडे वाला सीन हुआ है, इस सिचुएशन में कोई भी इंसान अगर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करता है तो किसी को भी ये सब चीज़ें भाई नहीं करनी चाहिए। ऑल्सो एलवी शादो इस चीज़ का भी क्लेरिफिकेशन देते हैं कि उनके साथ में भाई ये चीज़ अभी तक यार नहीं हुई है। ऑल्सो वो दुआ भी करते हैं कि ये सब चीज़ें ना हो। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट न्यूज़ भी भाई एलवी शादो के रिलेटेड है। तो एलवी शादो के भाई रीसेंट वाले व्लॉग में एक बहुत ज़्यादा भाई कोइंसिडेंस हो गया है। बेसिकली हुआ क्या कि अगर आप लोग यार इंस्टाग्राम पर रेगुलरली यार रील्स वगैरह देखते हो तो आप लोग को पता होगा कि आजकल भाई इंस्टाग्राम पर एक बहुत ज़्यादा यार तगड़ा रील का ट्रेंड चल रहा है, वो मकसद वाला, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन हो गया भाई एलवी शादो के रीसेंट वाले व्लॉग में, देखिए आप लोग। भैया आपका कोई कनेक्शन है क्या पाकिस्तान से? नहीं। तो ये कहाँ से आवाज आ रही? ये आपके मकसद के लिए कौन बता रहा है आपको? मुझे लगता है भाई का कोई मकसद है। क्या नाम है भैया आपका? शाहिद भाई की जय हो। कोइंसिडेंस, क्या करें। राम राम जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी हम। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए से। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं समय रहना एंड टोटल गेमिंग के बारे में। आप लोगों को भाई पता होगा कि इंटरनेट पे आप लोगों ने यार समय रहना के काफ़ी सारे ऐसे क्लिप्स देखे होंगे जिसमें भाई जो समय रहना का यार जो ह्यूमर है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल होता है, काफ़ी यार वो साइलेंटली लोगों को रोस्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि समय रहना अभी कुछ दिन पहले अपने चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जिस लाइव स्ट्रीम पर भाई गेमर फ्लीट भी आए हुए थे, टोटल गेमिंग भी थे, एंड समय रहना तो थे ही। तो वहाँ पर यार समय रहना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसमें यार टोटल गेमिंग ने एक ही टाइम पे समय रहना एंड मुनावर फारूकी दोनों का भाई रोस्ट कर दिया। वो क्या कुछ कहते हैं यार देखिए आप लोग। प्ले ऑनलाइन करना है ना, नहीं, कर प्ले करके पहले कोई भी गेम शुरू कर दे और फिर वो कर दे जो अगर सबने किया होता तो आज वॉचिंग नहीं होती। अबॉर्ट। कर दिया ये जोक मारने की वजह से कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि समय बह जाएगी एक आध भाई जेन्युइन भाई जेन्युइन जाएंगे भाई, और कॉमेडियन तो है ही, जाना तो पड़ता ही एक बार, जाके आओ भाई। ऑल्सो अगर आप लोग ये वाली वीडियो को यार कमेंट्स में भी देखोगे तो आप लोग को भाई कमेंट्स में यही दिखेगा कि भाई टोटल गेमिंग ने मुनावर फारूकी एंड समय रहना का साथ में रोस्ट कर दिया। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं कल के मुंबई इंडियंस एंड आरसीबी के आईपीएल मैच के बारे में। तो आप लोगों ने यार कल का यार अगर आरसीबी एंड एमआई का मैच देखा है तो आप लोग को पता होगा भाई कल क्या ही क्रेजी क्रेजी सीन्स हुए। ऑल्सो यार कल वाले मैच में भाई हार्दिक पांड्या को जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा भाई बू कर रही थी, तो इस चीज़ में भाई सपोर्ट करने के लिए रोहित शर्मा नहीं सामने से विराट कोहली खुद आए। एंड ऑल्सो आप लोग उनका जेस्चर देख पा रहे होंगे, वो लोग यार ऑडियंस को ये कह रहे थे कि भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए, हार्दिक पांड्या इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ही खेलता है तो उसको बू वगैरह मत करो। आप लोग विराट कोहली का भाई रिएक्शन देख पा रहे होगे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे फैन से। ऑल्सो कल वाले एमआई एंड आरसीबी के भाई आईपीएल मैच में जो आरसीबी है वो भाई दोबारा से हार गई एंड मुंबई इंडियंस भाई अपना कंटिन्यू सेकंड मैच जीत गई। एंड कल वाले मैच में भाई जो जसप्रीत बुमराह है उन्होंने काफी क्रेजी चीजें करी, लाइक उन्होंने भाई 5 विकेट्स लिए थे कल वाले मैच में। ऑल्सो आईपीएल के रिलेटेड बात चल रही है तो बात कर लेते हैं भाई विराट कोहली
बारे में आप लोगों को पता होगा कि जो विराट कोहली के फैंस हैं वो भाई बार बार यार चैंट करते हैं, डिमांड करते हैं कि भाई कोहली को बॉलिंग दो, कोहली को बॉलिंग दो। तो कल वाले MI एंड RCB के भी मैच में भाई यही चीज़ हो रहा था, जिस पर लोग जो हैं वो सारे लोग भाई यही कहने लगे थे कि कोहली को बॉलिंग दो, कोहली को बॉलिंग दो। तो इस चीज़ पर भाई विराट कोहली का रिएक्शन आप लोग देख पा रहे ऑडियंस की तरफ से कि भाई विराट कोहली यही कह रहे थे कि नहीं भाई मैं नहीं करने वाला, मेरे से नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या भाई ध्रुव राठी बीजेपी को एक्सपोज करते करते यार खुद ही एक्सपोज हो गए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आप लोगों को पता होगा कि ध्रुव राठी के यार वीडियोस को उनको काफी सारे लोग यार सपोर्ट भी करते हैं, बट भाई ऑन द अदर हैंड काफी सारे लोग का भाई ये रिएक्शन होता है कि जो ध्रुव राठी है वो बहुत बड़ा भाई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है। मतलब कि यार जो पॉइंट्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उसको वो काफी ज्यादा मिसलीड करता है एंड बहुत ज्यादा भाई मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह फैलाता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि ध्रुव राठी ने कल अपने ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो को अपलोड किया। इस वीडियो के भाई कैप्शन में लिखते हैं, डिड यू नो इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा रिवील्स दैट बीजेपी रिसीव्ड करोड़ ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया टॉप बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी। बेसिकली यार हुआ क्या कि यार ध्रुव राठी जो है उनका ये कहना है कि जो भाई बीजेपी है वो भाई इलेक्शन बॉन्ड्स के लिए यार जो पैसे वगैरह कलेक्शन होते हैं वो भाई एक ऐसी कंपनी से लेती है जो कि कंपनी इंडिया से भाई बीफ एक्सपोर्ट करती है बाहर के देशों में। एंड उन्होंने अपने वीडियो पे कहा क्या था, सबसे पहले आप लोग वीडियो को देखिए। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 2020 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप, अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी ये कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार अलाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बफेलो मीट। इंटरेस्टिंगली अप्रैल 2019 में डिपार्टमेंट ने इन पर आरोप लगाया था 2000 करोड़ की टैक्स इवेजन का। अब जब से यार ध्रुव राठी की ये वाली वीडियो वायरल हो रही है तब से यार लोग यार ध्रुव राठी को इस पॉइंट के लिए भाई काफी ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं। बेसिकली हुआ क्या कि अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना तो भाई ध्रुव राठी ने अपने इस वाली वीडियो में ये कहा कि जो बीजेपी है वो इलेक्शन बॉन्ड्स के लिए यार जो पैसे वगैरह कलेक्ट करती है वो एक ऐसी कंपनी से पैसे लेती है जो कि यार इंडिया के बाहर बीफ एक्सपोर्ट करता है। जब यार बात बीफ पे आती है तो आप लोगों को पता होगा कि जो हिंदूज हैं उनको भाई ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज काउ को एज अ गौ माता की तरह एज अ भाई गॉड की तरह कंसीडर करते हैं बट होता क्या है कि अगर आप लोगों ने यार इस वाली वीडियो को यार पूरा एंड तक देखा होगा ध्यान से तो आप लोगों को पता होगा कि ध्रुव राठी ने भाई एंड में जाके ये बोला कि ये जो भाई कंपनी है वो भाई बुफेलो का मीट जो है वो बाहरी कंट्रीज में भेजती है। आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो स्टार्टिंग में उन्होंने काउ का नाम लिया, लेकिन एंड में जाके वो बुफेलो कहते हैं। अब काउ एंड बुफेलो भाई दोनों अलग अलग जानवर होते हैं एंड हितुत्व में भाई काउ को एज अ गॉड की तरह भाई कंसीडर किया जाता है। तो इसी वाले पॉइंट को भी लेकर काफी सारे लोग यार
Dhruv Reddy is falsely reporting about Buffalo Mate, yet showing a cow in the video to mislead people. For your information, Dhruv Reddy, according to the regulations of the Indian government, the export of beef from India is banned. But Dhruv Reddy, as always, is misleading his blind followers once again. Don't hide this reply. एड इसी वाले पॉइंट को भाई शेयर करते हुए लोग यार ध्रुव राठी को एक्सपोज कर रहे हैं इसी वाली वीडियो को भाई शेयर करके कि देख लो किस तरीके से ध्रुव राठी जो है वो ऑडियंस को भाई मैनिपुलेट करता है, मिसलीड करता है। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस वायरल वीडियो क्लिप के ऊपर, मुझे अपने ओपिनियंस को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो यार गाइस, बस अभी के लिए इतनी न्यूज़ थी, आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एंड हर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना भाई मत भूलना, एक सेकंड लगता है कर लो सब्सक्राइब। एंड यहाँ पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कम्युनिटी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।